हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ब्लू स्टार का मशीन है, ओल्ड मॉडल आउटडोर है, सिंगल फेस का मशीन है। अभी आजकल जो है अपने को सिर्फ तीन पिन वाले कनेक्टर आ रहे हैं या फिर चार पिन वाले आ रहे हैं। तीन पिन आ रहे बोले तो उसमें जो है कॉन्टैक्टर नहीं रह रहा, चार वाले आ रहे बोले तो उसमें कॉन्टैक्टर रहता। अभी इसमें देखो कॉन्टैक्टर है और पिना भी देख सकते हैं, इतने सारे हैं। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते कि मतलब इतनी चीज़ें कहीं के है भाई, क्या तो भी है ये बोल के, क्योंकि आजकल जो है अपने को देखने कुछ नहीं मिल रही है। तो ये ओल्ड मॉडल है, इसमें कंप्रेसर भी देख सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग जो अपने को कंप्रेसर आते थे ओल्ड मॉडल, वो कंप्रेसर इसके अंदर, आजकल रोटरी कंप्रेसर आ रहे हैं। तो खैर, ये ओल्ड मॉडल मशीन में अपने को ऐसी वायरिंग रहती थी। अब ये वायरिंग कहीं के लिए क्या क्या है, कभी अगर फेस करने को मिल गया मशीन तो परेशान न होना बोल के वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो फर्स्ट देखो आर एन बोल के बने हुआ है। तो पहले वाले जो दो पिना है ना RN, ये अपने को फेस न्यूट्रल है, मेन फेस न्यूट्रल जो अपने को MCB से या पावर सॉकेट से जो आता ना, अब इसके अंदर जो है आउटडोर में देने का ऑप्शन है, समझो मतलब आउटडोर में पावर सप्लाई देना, फिर आउटडोर से इंडोर को पावर भेजना। अब हमला क्या करें, यहाँ पे इंडोर में पावर सप्लाई देके इंडोर से आउटडोर को भेज के मैनेज कर लिए, समझो। तो अपने को अगर वायरिंग करने आता तो कर ले सकते हैं वैसा, लेकिन इसमें असल ऑप्शन क्या है अपने को, यहाँ पे जो है मेन सप्लाई का वायर कनेक्ट करना फेस न्यूडल, फिर यहाँ से जो है अपने को इंडोर को ये RN जो है सेकंड वाला, यहाँ से इंडोर को पावर सप्लाई भेजना फेस न्यूडल, फिर इंडोर ऑन हो जाता अपना। इंडोर ऑन होने के बाद में इंडोर पूरा ओके रहा, जब उन्हें आउटपुट देता ना, आउटपुट आके अपने को ये 230 जो लिखे हुआ है उसमें लगता, 230 में लगने के बाद में कॉन्टैक्टर प्रेस होता। कॉन्टैक्टर प्रेस होने के बाद कॉन्टैक्टर के अंदर ये जो है फेस और न्यूडल रुके हुआ रहता अपने को, वो फेस न्यूडल अपने को फिर कंप्रेसर को जाता और यहाँ पे अपना जो फैन मोटर है ना उसको जाता। तो कंप्रेसर को जो है अपने को यहाँ पे CSR लगे हुआ है, देखो यहाँ पे SRC, ये स्टार्टिंग रनिंग कॉमन है। तो यहाँ से जो है कंप्रेसर का वायर कनेक्ट है फेस जो है फेस न्यूडल स्टार्टिंग कैपेसिटर के जरिए, इसको जाके कंप्रेसर को ऑन करता। फिर सेकंड जो NR बने हुआ है वो अपने को फैन मोटर का है, देख सकते हैं ब्लैक वाले जो छोटे वायर जो है वो फैन मोटर के। तो फर्स्ट जो दो है अपने को मेन सप्लाई का है, उसके बाद ये दो जो है NR ये अपने को इंडोर के है, उसके बाद में जो है कंप्रेसर के है CSR वायरिंग, फिर उसके बाद ये जो दो है ये फैन मोटर के है फेस न्यूट्रल, फिर उसके बाजू में जो N बने हुआ है वो N जो है A1 A2 जो कॉन्टैक्टर रहता ना उसका न्यूट्रल है। उसके बाद में जो है यहाँ पे 230 बोल के लिखे हुआ है, ये CP अपने को आउटपुट, कभी भी जो है अपने को आउटपुट आया नहीं आया, चेक करना है तो यहाँ पे आके चेक करना पड़ता, कंट्रोल फेस जिसको बोलते हैं ना वो है ये, बस इतना ही है समझो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगे हुआ है, यहाँ पे जो सप्लाई आके रुके हुई थी कॉन्टैक्टर में आके रुके हुई रहती, जब अपने को इंडोर से जो है आउटपुट आता जो CP कंट्रोल फेस बोलते, कंट्रोल फेस आके इसके A1 A2 में लग के कॉन्टैक्टर को प्रेस करती कि जो सप्लाई ऊपर रुके हुई है वो बाहर निकल के यहाँ से जो है कंप्रेसर को भी जाती और फैन मोटर को भी जाती, बस इतना ही रहता समझो। पहले क्या है, ज़रा डिसिप्लिन से आराम से काम होता था ना, तो इसलिए इतना सब जो है सब बने हुआ रहता था, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं हो रहा, कहाँ पे पावर आ रहा क्या है पूरा सब चेक कर लेना बोल के ईजी रहता था समझो, ऐसा खुला खुला रहा। तो अब क्या है, पूरा पैक होके आ जा रहा, सब अपने को ही चेक कर लेना पड़ रहा। आई होप के समझ में आ गई होंगी वायरिंग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।